सब्सक्राइब कीजिए तोशिन टेक चैनल को और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका तोशिन टेक चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने किसी भी सैमसंग के फ़ोन में जो एंड्रॉयड ओरियो पे रन कर रहा है उसमें जो है सैमसंग यूआई 1 की जो थीम है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास है J7 प्राइम और इसमें मैंने सैमसंग यूआई 1 की थीम इंस्टॉल की हुई है। तो ये थीम देखने में काफ़ी कूल लग रही है। आप देख सकते हैं सारे जो आइकन्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो सारे आइकन्स हैं वो आपको सैमसंग UI 1 के जो आइकन्स इस थीम में देखने को मिलेंगे। साथ में ही आपको नोटिफिकेशन पैनल जो एंड्रॉयड पी के लुक का इसमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दो थीम्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो थीम है वो सैमसंग 1 UI के आइकन्स के साथ है और जो दूसरी वाली थीम है तो दोस्तों यहाँ पर है सैमसंग ओपन यूआई की दूसरी थीम और ये दोस्तों नाइट थीम है। इसमें आपको नोटिफिकेशन पैनल है और सेटिंग पैनल है वो आपको जो है ब्लैक दिखने वाला है क्योंकि ये नाइट थीम है। और इसके जो आइकन्स है वो भी काफ़ी कूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन डायलर, कॉन्टेक्ट मैसेजेस और सारे जो आइकन्स है इसमें काफ़ी कूल। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको बताऊंगा कि आप भी जो है ये दोनों थीम्स कैसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो थीम है एंड्रॉयड 8.0 ओरियो पर ही वर्क करेगी। मैंने 7.0 में इसको टेस्ट नहीं किया है। तो अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 7.0 का वर्जन है तो आप एक बार डाउनलोड करके देख लेना क्योंकि मुझे कन्फर्म नहीं है ये उस पर प्रॉपर वर्क करती है या नहीं करती है। तो चलिए बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों दोनों ही थीम्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर जो है आप दोनों ही थीम्स को डाउनलोड कर पाएंगे। तो डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ से जाना है माई फाइल्स में और डाउनलोड वाले सेक्शन में जाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ऊपर है वो EVN नाइट थीम का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं EVN डे थीम। तो यहाँ से आपको सिंपली जो है अपने इस थीम को जो है इंस्टॉल कर लेनी है यहाँ से। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद में दोस्तों वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कुछ स्टेप्स जो आपको फॉलो करनी है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको जो है अपने फोन को रीस्टार्ट करना होगा। अगर ये थीम आपके थीम स्टोर में शो नहीं हो रही है तो आप फोन को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में भी जो है आपको अगर शो नहीं होती है तो आप दोबारा से इसको इंस्टॉल करके आप अपने फोन को रीस्टार्ट कर लीजिएगा तो आपके थीम स्टोर में ये वाली थीम्स शो हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर देख सकते हैं कि जो थीम है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। इंस्टॉल होने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली से जाना है अपने थीम स्टोर में और यहाँ से आपको जाना है थीम स्टोर में। थीम स्टोर में जाने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डे थीम है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आपको यहाँ से इसको सिंपली अप्लाई कर देना है। और आपको दोस्तों ये एक बात का ध्यान रखना है, इंस्टॉल करने के बाद में अगर आपके थीम स्टोर में ये थीम शो नहीं हो रही है तो आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद में जो है ये थीम्स आपके थीम स्टोर में शो होने लग जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आइकन्स है वो चेंज हो चुके हैं और फ़ोन को काफ़ी अमेजिंग लुक दे रहे हैं। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल है वो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड पी के लुक का हो गया है और जो सेटिंग पैनल है वो भी जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोन के डायलर में जो है यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। और अगर बात करते हैं यहां पर कंप्लीट आइकन्स की तो आइकन्स भी जो है देखने में काफ़ी अमेजिंग लग रहे हैं इसमें। और जो नाइट थीम है उसको भी आप इस तरह से इंस्टॉल करके अपने फ़ोन को काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.